हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज किंग आइडिया में। दोस्तों, आज फिर आए धमाकेदार बिजनेस में आपका स्वागत है और आज आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगा कि इस बिजनेस में आप 100% 50 से 80% आप प्रॉफिट कमा सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 10 रुपये लगाएंगे तो आप सीधा 50 रुपये कमाएंगे, इतना प्रॉफिट इस बिजनेस में। तो अगर आपको इतना प्रॉफिट कमाना है और आपको कमाना है लाखों का महीना, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक और समझें इस बिजनेस आइडिया को, कौन सा ये बिजनेस है और आप लोग इस बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से लाखों का महीना कमा सकते हो। तो आप वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा और आपको इस बिजनेस के बारे में डिटेल से जानकारी बताने वाला हूं कि कौन सा बिजनेस है, वो आपको कैसे करना है। तो बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी देखिए, नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उस पर जैसे ही टच करेंगे तो बाजू में एक घंटी का निशान आएगा जिस पर आप ऑल पर प्रेस आपको करना है, जिससे होता है कि मैं कोई वीडियो डालूंगा उसकी आपको जानकारी तुरंत मिल सकेगी। चलते दोस्तों वीडियो फटाफट से। दोस्तों, यह बिजनेस है फ्रोजन मटर का बिजनेस। अब आप लोग सोच लोगे फ्रोजन मटर आखिर है क्या, तो ये मैं लास्ट में बताऊंगा कि फ्रोजन मटर आखिर कैसे बनता है, वो आप इसमें कैसे 50 से 80% प्रॉफिट कमा सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मटर होती है वो साल भर में मात्र 3 महीने की खेती होती है मटर की। तो किसान इसको ठंडियों के महीने में इसकी उपज लेते हैं, इसका उत्पाद होता है मई ठंडियों के महीने में, तो ये 3 महीने की फसल होती है, लेकिन इसका बिजनेस चलता है पूरे साल। तो इस नॉर्मल सी मटर को फ्रोजन मटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए पूरे साल वो स्टॉक रहती है, कभी ख़राब नहीं होती है। तो दोस्तों, जो शख्स इसका बिजनेस करना चाहता है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे ठंडियों में इसका उत्पाद होता है तो वो डायरेक्ट किसानों से मटर को उसको ख़रीदना पड़ेगा। अब कितना ख़रीदना पड़ेगा वो अपने एरिए में पहले पता कर लें कि हम इसको कितना सेल कर पाएँ, उस हिसाब से आपको मटर खरीदनी पड़ेगी आपको किसानों से। और मटर को ख़रीदने के बाद आपको घर पर लाना होगा, घर पर आने के बाद लाने के बाद आपको मजदूरों को आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप बिज़नेस को छोटे तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों कोई बिज़नेस डायरेक्ट बड़े लेवल पर नहीं होता है, पहले छोटे लेवल से होता है। तो आपको अगर बड़े लेवल पर करना है तो आपको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अगर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको सबसे पहले मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। आप मजदूरों को पकड़ लीजिए, पकड़ने के बाद उनको घर पर लाइए, घर पर आने के बाद मटर जो छिलके होते हैं आप उनको निकलवा के दाने दाने में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कन्वर्ट करने के बाद आपको बनाना है फ्रोजन मटर, जो आगे मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा फ्रोजन मटर आखिर कैसे बनता है। तो आप बीजा निकाल लेंगे, बीजों को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ मेन पॉइंट है कि आखिर फ्रोजन मटर कैसे बनता है। तो फ्रोजन मटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बीजा आपने निकलवा लिए, बीज निकलवाने के बाद आपको 80 से 90 डिग्री गर्म पानी में आपको डालना पड़ेगा। तो आप जैसे 1-2 मिनट डालेंगे तो ये गर्म हो जाएंगे, फिर गर्म के बाद आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेना है, और साफ़ सुथरा करने के बाद जैसे ठंडक हो जाए तो थोड़ा आपको 4 से 5 डिग्री ठंडे पानी में, यानी आप फ्रेज के पानी में इसको आपको डाल देना है, तो बिल्कुल ये फूल जाएगी दोस्तों। और फूल जाने के बाद आप इसको सुखा लेंगे, सुखाने के बाद आप बड़े बड़े फ्रीजर में इसको स्टॉक कर लेंगे, इसमें आप स्टॉक कर सकते हैं, तो इसमें बर्फ़ जम जाएगी और ये फ्रोजन मटर बन जाएगी, कभी ख़राब नहीं होगी, पूरे साल आपको जैसे कि जैसी हरी मटर रखा रहेगी। अब इसको फ्रिज में रख लेंगे तो आप जिस तरीके से रखना चाहते हो, आप 500 ग्राम के पैकेट बना लेंगे, 1 किलो के पैकेट बना लेंगे, 5 किलो का पैकेट बनाएंगे और 250 ग्राम के पैकेट बनाकर आप इसको स्टॉक कर सकते हो। अब दोस्तों इसमें कितना प्रॉफिट है, अब आप लोग देखते होंगे, खरीदते होंगे और खाते भी होंगे,
जब आप डायरेक्ट माल खरीदोगे किसान से, तो आपको 10 से 15 रुपए में आपको 1 केजी मिलेगी मटर। 10 रुपए केजी मटर मिल जाएगी आपको अपने छोटे किसानों के पास, जहाँ से ये उत्पाद होता है मटर का। अब मान लीजिए आप 1 क्विंटल मटर खरीदते हैं, तो उसमें 45 केजी, 45 किलो आप उसमें बीजा निकलेंगे, बाकी 55 किलो इसमें छोकला निकल जाएंगे। तो कितने का पड़ गया? अब लोग देखते होंगे कि मान लीजिए 10 रुपये का आप खरीदते हैं और 1,000 रुपये का, आधा खराब आधा छिलका निकल गया, तो 20 से 22 रुपये किलो आपका ये मटर का बीज पड़ गया। अब थोड़ा आप प्रोसेस करेंगे तो आपको 25 से 30 रुपये केजी का आपका खर्चा उसमें आने वाला है। अब दोस्तों जब ये बिकती है तो ये कम से कम 100-150 रुपये, दोस्तों 150 से लेकर 200 रुपये तक केजी बिकता है। अब आप समझ लीजिए कितना प्रॉफिट है दोस्तों। 150 से 200 रुपये केजी से कम कहीं नहीं मिलता है। आप लोग कहते होंगे अब इसकी डिमांड कैसी रहती है, आप ये समझ लीजिए। अब कहीं भी शादी समारोह होता है, कहीं बड़ा फंक्शन होता है, कहीं अगर मान लीजिए 2-4 मेहमान आ गए हैं तो उसमें मटर का यूज होता है। अगर आप आलू टमाटर की सब्जी बनाते हो तो उसमें मटर की यूज होता है। अगर आप पनीर बनाते हो तो उसमें मटर डाली जाती है। अगर सब्जी का क्वालिटी आपको अच्छा लाना है तो उसमें मटर का यूज 100% होता है, इसलिए मटर की डिमांड रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि साल में 3 महीने तक ही इसका उत्पाद होता है और ये पूरे साल इसकी डिमांडेड रहती है, तभी ये बहुत ऊँचे रेट से बिकती है। और ये आप इसमें 50 से 80% तक पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा बिजनेस है, जो शख्स इसका बिजनेस करना चाहता है वो 100% इस बिजनेस को कर सकता है। तो दोस्तों यही था वीडियो, आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आप फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मांगता इजाज़त। तो जय हिंद, जय भारत।